मित्रों, कक्षा 9 विषय विज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग हमारे आसपास के पदार्थ नामक पाठ के अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी किताब से हमारे आसपास के पदार्थ नामक पाठ के अभ्यास प्रश्न को प्रश्न नंबर 1 एनसीईआरटी किताब में दिया है। निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। प्रश्न नंबर 1 है, तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना है। तापमान दिया है, ए दिया है 293 केल्विन और बी दिया है 470 केल्विन। प्रिय छात्रों, केल्विन में तापमान दिया है और इसको सेल्सियस पैमाना में बदलना है। इसको हम लोग हल करेंगे। तो हल करने के लिए एक फार्मूला होता है जिससे केल्विन पैमाने को सेल्सियस पैमाने में बदलते हैं। सेल्सियस पैमाना बराबर होता है सेल्सियस पैमाना बराबर केल्विन पैमाना माइनस 273। यह एक फार्मूला है जिसकी सहायता से केल्विन पैमाने को सेल्सियस पैमाने में बदला जाता है। अब हमारे पास 293 केल्विन है और इसको सेल्सियस में हमको बदलना है। तो ए को जब हल करेंगे तो सेल्सियस के लिए सी लिख देते हैं, बराबर केल्विन पैमाने का मान 293 दिया है माइनस 273, इसका मतलब सी का जो मान आ गया, 3 में से 3 को जब हम लोग हटाएंगे तो 0 आएगा, 9 में से 7 को हटाएंगे 2 आएगा और 2 में से 2 घटेगा 0 होगा, यानी 20 सेल्सियस हो जाएगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा सी बराबर, और यही जो होगा वह आंसर होगा। इसी तरह से बी को भी हम लोग हल करेंगे। बी के लिए क्या हो जाएगा, सी बराबर 470 माइनस 293। इसको जब हम घटाएंगे 470 में से 293 को, तो 0 यहाँ एक हासिल लेंगे, 10 में से 7 जाएगा, 3 जाएगा 7 और यहाँ हो गया 8, एक और हासिल लेंगे 18 में से 9 जाएगा 9 और 3 में से 2 जाएगा 1, 197 डिग्री सेंटीग्रेड। यह हो गया पहले प्रश्न का हल। अब हम लोग दूसरे प्रश्न के तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 क्या है इसको देखेंगे। निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए, इसको केल्विन में बदलना है। प्रश्न नंबर 2 केल्विन में बदलना है। कितना दिया है, 25, ए दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और बी दिया है 373 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हमको केल्विन पैमाने में बदलना है। तो लिखेंगे केल्विन पैमाना बराबर 273 प्लस सेल्सियस
सेल्सियस पैमाना। इस फार्मूले की सहायता से हम लोग जो सेल्सियस में दिया है उसको केल्विन में बदलेंगे। ए को कैसे हल करेंगे, तो केल्विन के लिए के लिख देंगे 273 और सेल्सियस कितना दिया है 25। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो के बराबर 5 और 3 मिलके 8 होगा, 7 और 2 मिलके 9 होगा, 298 केल्विन हो गया। ये ए का आंसर हो गया और बी को ही ऐसे ही हम लोग हल कर लेंगे। बी के लिए के बराबर 273 और प्लस 373, इसको जब जोड़ेंगे तो 3 और 3 मिलके 6, 7 7 14 का 4, 2 3 5 1 646 केल्विन। यह जो है बी का आंसर है। इस तरह से इसको हम लोग हल करेंगे। अब प्रश्न नंबर 3 के तरफ हम लोग चलेंगे। प्रश्न 3 क्या है सुनेंगे। निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। नेप्थिलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 ये है। नेप्थिलीन को हम लोग रख देते हैं तो कुछ देर बाद बिना किसी ठोस पदार्थ को छोड़े हुए वह अदृश्य हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो प्रिय छात्रों, प्रश्न नंबर 3 के ए में आप लोग लिखेंगे नेप्थिलीन ऊर्ध्वपातित हो जाता है। ऊर्ध्वपातित होने के कारण वह बिना किसी ठोस पदार्थ को छोड़े अदृश्य हो जाता है। अर्थात नेप्थिलीन एक ऐसा पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातन की क्रिया को प्रदर्शित करता है। और आपको पता है ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है या वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तो इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर एक बार और सुन लेंगे आप लोग। क्या लिखेंगे? लिखेंगे नेप्थिलीन ऊर्ध्वपातित के कारण बिना ठोस पदार्थ छोड़े अदृश्य हो जाता है। ये प्रश्न नंबर 3 के ए का उत्तर है। अब बी का उत्तर क्या लिखेंगे? प्रश्न नंबर बी सुनिए। हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। प्रिय छात्रों, सभी पदार्थ सदैव गतिशील रहते हैं। ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पदार्थ जो होते हैं गतिशील होते हैं। गैस अवस्था में पदार्थ की गतिशीलता अधिक होती है क्योंकि गैसों का विसरण तेजी से होता है। इसी कारण जब कहीं पर इत्र होता है तो वायु के कणों के द्वारा वह दूर तक चला जाता है और हमको सूंघने से पता चलता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे कि प्रत्येक पदार्थ गतिशील रहता है, वायु के कणों के द्वारा इत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है क्योंकि गैसों का विसरण तेजी से होता है। यह इस प्रश्न का उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 4 हम लोग देखेंगे। प्रश्न 4 क्या है
इसका उत्तर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न 4। निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पदार्थ है जल, चीनी, ऑक्सीजन। प्रिय छात्रों, आपको इस बात की जानकारी होगी कि सबसे अधिक आकर्षण बल ठोस के अणुओं के बीच, ठोस के कणों के बीच लगता है, उसके बाद द्रव के कणों के बीच लगता है, और सबसे कम आकर्षण गैस के कणों के बीच लगता है। हमारे पास जो पदार्थ है वह जल है, जो द्रव पदार्थ है, चीनी है ये ठोस अवस्था में रहती है, और ऑक्सीजन है यह गैसीय पदार्थ है। तो इनके बीच सबसे ज़्यादा आकर्षण जो होगा वह चीनी के बीच होगा, और सबसे कम आकर्षण जो होगा वह ऑक्सीजन के बीच होगा। तो आकर्षण का इसके उत्तर में आप लोग लिखेंगे, सबसे कम आकर्षण ऑक्सीजन के बीच होगा। इससे ज्यादा आकर्षण जल के बीच होगा, और सबसे अधिक आकर्षण जो होगा वह चीनी के कणों के बीच होगा। और इस तरह से हम बना देंगे जिससे पता चलेगा कि सबसे अधिक आकर्षण बल चीनी के कणों के बीच होता है, और सबसे कम आकर्षण बल ऑक्सीजन यानी वायु के कणों के बीच होता है। ये प्रश्न नंबर 4 था। अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न 5, प्रश्न 5 देखिए क्या है। निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है इसको बताना है। इसके उत्तर में आप लोग लिखेंगे, तापमान है इधर, तापमान, और यहां पर लिख देंगे अवस्था। ठीक है, तापमान कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और तीसरा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रिय छात्रों, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल किस अवस्था में रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल किस अवस्था में रहेगा, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल किस अवस्था में रहेगा? तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जो है वह द्रव अवस्था में रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस अवस्था में रहेगा, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प के अवस्था में या गैस अवस्था में रहेगा। ये प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है। पुष्टि हेतु कारण दें, जल कमरे के ताप पर द्रव है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। प्रिय छात्रों, इसके लिए कारण देना है आपको कि कमरे के ताप पर जल जो है द्रव की अवस्था में रहती है, जबकि लोहे की अलमारी ठोस अवस्था में रहती है। तो प्रिय छात्रों, आपको यह पता है कि ठोस के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल अधिक होता है, और द्रव की अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल कम होता है। तो जब जल जो है कमरे के ताप पर द्रव क्यों है, इसके उत्तर में यानी ये प्रश्न नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर 6 के ए के उत्तर में लिखेंगे, द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला अंतराणुक बल कम होता है, अतः कमरे के ताप पर जल जो है
द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। इसी तरह से बी के उत्तर में आप लोग लिख लेंगे 6B, प्रश्न नंबर 6B जो है इसके उत्तर में आप लोग लिखेंगे, कमरे के ताप पर ठोस के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल प्रबल होता है, अधिक होता है, अंतराणविक दूरी कम होती है, अतः कमरे के ताप पर लोहे की अलमारी ठोस अवस्था में रहता है। ये प्रश्न नंबर 6 का उत्तर था, जिसमें आप लोग ए में एक बार और सुन लीजिए, आप लिखेंगे कमरे के ताप पर द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला बल प्रबल होता है, अतः कमरे के ताप पर जल जो है द्रव अवस्था में रहता है। इसके उत्तर में लिखेंगे 6B के उत्तर में, कमरे के ताप पर ठोस के अणुओं के बीच लगने वाला बल प्रबल होता है, अतः लोहे की अलमारी जो है वह ठोस अवस्था में रहती है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 के तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7 क्या है इसको जानेंगे। 273 केल्विन पर बर्फ की ठंडक समान ताप पर जल की ठंडक से ज़्यादा प्रभावी क्यों होता है। 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ की ठंडक और समान ताप पर जल की ठंडक। प्रिय छात्रों, समान ताप पर जल की जो ठंडक है वह कम होगी और उसी ताप पर बर्फ की ठंडक जो है अधिक होगी, क्योंकि जो बर्फ है, अगर हम यहाँ पर बर्फ अपने किसी शरीर के अंग पर बर्फ रखते हैं तो बर्फ जो है वहाँ की ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है और हमको जो है अधिक ठंडक का महसूस होता है। जबकि जल को किसी शरीर के अंग पर रखते हैं, उसी तापमान के जल को अपने शरीर के किसी अंग पर रखते हैं तो वह कम ठंडक महसूस होती है, जबकि बर्फ रखते हैं तो वह अतिरिक्त ऊर्जा हमारे शरीर के उस अंग उस भाग से ले लेती है, जिससे हमको ज़्यादा ठंडक महसूस होती है। तो प्रश्न नंबर 7 के उत्तर में आप लोग लिखेंगे कि जब हम बर्फ को शरीर के किसी अंग पर रखते हैं तो वह वहाँ की ऊर्जा का अवशोषण कर लेती है, ऊर्जा को ले लेती है गलने के लिए, अतः यह अधिक ठंडक लगती है, जबकि जल से ठंडक कम लगता है। प्रश्न नंबर 8 के उत्तर में क्या लिखना है, ये प्रश्न नंबर 8 में आपको लिखना है, उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप से जलने पर ज़्यादा दर्द क्यों होता है। प्रिय छात्रों, भाप जल में संघनित होती है, तो संघनित यानी भाप जो है जल में जब बदलती है तो उसके लिए 22.5×10^5 जूल प्रति किलोग्राम ऊष्मा निकलती है। जब भाप जल में बदलती है, द्रव में बदलती है, तो 22.5×10^5 जूल प्रति किलोग्राम ऊष्मा निकलती है, जबकि जल में इस तरह की ऊष्मा नहीं निकलती है, अतः भाप से जलने पर अधिक दर्द का महसूस होता है और जल के जलने पर कम दर्द का महसूस होता है, ठीक है। इसको एक बार और देख लीजिए, प्रश्न नंबर 8 को, भाप जो है जल को जब हम गर्म करते हैं तब बनता है, और भाप से यदि जलता है तो अधिक दर्द होता है, और उसी ताप के जल से जब जलता है तो कम दर्द होता है, ऐसा क्यों है। तो जब भाप जल में संघनित होता है तो 22.5×10^5 जूल प्रति किलोग्राम ऊष्मा देता है, अतः जब भाप से जलता है तो हमको अधिक दर्द का
आभास होता है। अब प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9 क्या है इसको देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 में आपके किताब में एक चार्ट बनाया है, उसको देख लीजिए। इस चार्ट में इस तरह से बनाया है, उसके बाद यहाँ एक छोटा सा गोला बनाया है। अब इसमें यहाँ लिखा है ठोस, यहाँ लिखा है द्रव और यहाँ लिखा है गैस, ठीक है। ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया को वह ए कह रहा है और द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया को इस चार्ट में बी कहा गया है। गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया को सी कहा गया है और द्रव से ठोस बनने की प्रक्रिया को डी कहा गया है। फिर से ठोस से गैस बनने की जो प्रक्रिया है उसको ई कहा गया है और गैस से जो ठोस बनने की प्रक्रिया है उसको एफ कहा गया है। यह आपके किताब में चार्ट बनाया है। आपको बताना है कि ए बी सी डी ई एफ यह किस प्रकार के परिवर्तन को बताते हैं। तो चार्ट को ध्यान से देखेंगे और इसका जब हम लोग आंसर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, तो ए क्या है, ए जो है ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया है। और आपको मालूम है ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया को हम लोग गलन कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है गलन की प्रक्रिया कहलाता है। तो इस उत्तर में ए जो है वह किसको प्रदर्शित करेगा, तो ए जो है वह गलन को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। बी पर विचार करिए, यह जो है द्रव गैस में परिवर्तित होता है और आपको मालूम है कि जब किसी द्रव को ऊष्मा देते हैं तो वह गैस में परिवर्तित होता है और यह क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पन की कहलाती है। तो बी जो है ये प्रदर्शित करता है किस क्रिया को, वाष्पन की क्रिया को, वाष्पन हो गया। अब सी पर विचार करिए, सी किसको प्रदर्शित कर रहा है, गैस जो है द्रव में बदल रहा है। गैस को द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, आपको पता है हम बताए हैं कि जब कोई गैस द्रव में परिवर्तित होती है तो इस क्रिया को संघनन कहते हैं। तो सी जो है वह संघनन को व्यक्त करता है, संघनन। अब हम डी पर चलेंगे, डी किस क्रिया को व्यक्त करता है, तो डी जो है द्रव को ठोस में बदलता है और द्रव को ठोस में बदलने आप बताए हैं, आपको मालूम होगा कि वह क्रिया जिसमें कोई द्रव ठोस में बदलता है हीमन कहलाता है, यानी डी जो है वह हीमन की क्रिया कहलाएगी, हीमन या जमने की क्रिया। अब हम लोग ई के बाद, डी के बाद ई पर चलेंगे और ई कह रहा है कोई ठोस पदार्थ द्रव में नहीं बदलेगा, सीधे गैस में बदलेगा और इस क्रिया को आप क्या कहते हैं, तो इस क्रिया को आपको पता है ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ई जो होगा वह ऊर्ध्वपातन की क्रिया होगी, यानी ऊर्ध्वपातन। अब हम यफ के तरफ चलेंगे, यफ किस क्रिया को व्यक्त करता है, तो यफ में दे रहा है कोई गैस सीधे द्रव न बदल के सीधे ठोस में बदल जाए तो यह कौन सी क्रिया होगी, तो यह जो है निक्षेपण की क्रिया कहलाती है, निक्षेपण। इस तरह से